हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होगे। आजकल सर्दी है तो सर्दी में अचार भी बनाते हैं और बहुत वैरायटी के बनाते हैं। तो आज मैं एक अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और वो है ये आंवला। तो इसको मैंने देखो सुखा दिया है और बॉइल मतलब रेडी करा है डालने के लिए। तो क्या क्या करा है वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी और ये आंवले का अचार मैं बनाने वाली हूँ तो वो भी आपके साथ गाइस शेयर करूंगी। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा और छोटी सी वीडियो है तो प्लीज प्लीज फुल वॉच कर देना और देखना कि मैं कैसे बनाती हूँ। अगर रेसिपी अच्छी लगे जरूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है और मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, तो प्लीज जरूर बताना। तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में, ये अचार का मैं मसाला रेडी करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ किचन में और ये ले लिए मैंने आधा हाफ के जी आंवला, जो कि मैंने धो के अच्छे से और गर्म पानी कर रखा था। उसमें हल्दी और नमक के साथ बॉईल कर लूँगी ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। और बॉईल हो चुके हैं तो मैंने गैस बंद कर चुकी है। मैंने बना रही थी नाश्ता तो पूड़ियाँ भी रखी हैं साथ में और सुबह का वक्त था। तो देखो ये इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे, जब बॉईल हो जाएंगे ना तब ये इस तरह से हो जाएंगे। तो मैं धूप में बैठ कर फिर इनको अलग अलग कर देती हूँ इस तरह से। ये देखो बहुत आसानी से और बहुत इजी से हो जाते हैं और जब ये बॉईल हो जाते हैं ना तब अपने आप ही फटने लगते हैं पानी में, तो पता चल जाता है कि ये बॉईल हो गए। तो इसको मैं 4-5 घंटे के लिए धूप में रख दूंगी क्योंकि आजकल तो धूप बहुत कम है इसीलिए। तो ये मैंने तवे पे डाला था, मतलब साबुत धनिया सौंफ और ये डाल दिया है जीरा, और मतलब 1/2 चम्मच जीरा डाला है। ये है मेथी दाना जो कि 1 चम्मच होगा लगभग, मैंने तो आइडिया से ही डाल दिया था। और ये है अजवाइन जो कि मैं ये भी डाल दूंगी। और ये सब मसाले मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी तवे पे ताकि ये थोड़े ड्राई हो जाएं। और मैंने रख दी है कढ़ाई गैस पे और इसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल और ये मैंने गैस ऑन कर दिया ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। तब तक मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मेरा तेल गरम हो चुका था तो थोड़ा कम कर दिया था मैंने तेल क्योंकि ये बहुत ज़्यादा था, बाद में ज़रूरत होगी तो डाल लेंगे। तो मैंने इसमें हींग डाली और डाला हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और ये जो मैंने मसाला रोस्ट किया था वो डाला था मतलब, और इसे अच्छे से भून दूंगी मतलब इसमें। और गैस मैंने इस समय ऑफ कर रखी है, केवल हमें ये मसाला भूनना नहीं है, केवल मस्टर्ड ऑयल गरम करना है। और गरम करने के बाद अच्छे से, और उसके बाद जो गैस है उसको ऑफ कर दिया है। और तेल मैंने निकाल दिया था कटोरी में क्योंकि हमें ज़रूरत होगी तो हम बाद में ले लेंगे। तो इसमें अभी मैंने नमक ऐड नहीं किया है, बाकी सारे मसाले कर दिए हैं जो अचार वाले मसाले रहते हैं। तो अब मैं इसमें करूँगी नमक ऐड, पहले मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी और मिलाने के बाद नमक ऐड थोड़ा कम ही करूँगी क्योंकि मैंने जो आंवला बॉईल किया था उस समय भी नमक डाला था मैंने उसमें, तो लगभग 50% तो नमक इसमें होगा। और मतलब होगा क्या है, इसमें 50% और इसमें 50% और डालना है तो थोड़ा ही नमक यूज करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी नहीं तो नमक बहुत तेज़ हो जाएगा फिर। और उसके बाद इसे अच्छे से मिलाने के बाद फिर मैं इसमें, अभी थोड़ा तेल कम है तो मैं थोड़ा सा तेल और डालूंगी और थोड़ी हल्दी कम है तो वो भी और डालूंगी। और ये कढ़ाई बहुत देर तक गर्म रहती है तो इसी तरह से इस गर्म कढ़ाई में ही मिक्स करना है, पर गैस नहीं ऑन है इसकी, गैस ऑफ ही रखा है मैंने। और उसके बाद मैं थोड़ा सा तेल और डालूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा तेल कम लग रहा था तो वो भी ऐड कर दिया है मैंने इसमें। और ये तेल वही है जो मैंने कढ़ाई में से निकाला था गरम। और ये है टॉप्स का विनेगर तो मैं थोड़ा सा वो भी ऐड कर दूंगी इसमें। विनेगर से क्या होता है कि अचार हमारा ख़राब नहीं होता है, बस इतना ही रहता है और टेस्ट में तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मैंने ये सारा मसाला जार में, मतलब जो भी अचार था जार में भर दिया था और थोड़ा सा तेल ऊपर से डाल दिया। तो देखो ये बनकर एकदम रेडी है और 2-1 दिन इसे धूप में रख सकते हो नहीं तो खाने के लिए रेडी है। गाइस, मेरा अचार बनके एकदम रेडी है, देखिए कितना अच्छा कलर और टेक्सचर दोनों आया है। तो ये 1/2 kg आंवला था, आपको जितनी जरूरत हो उतना बना सकते हो। तो गाइस बताना जरूर कि मेरा अचार की रेसिपी कैसी लगी और कैसी नहीं लगी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी बनी। तो
सर्दी में ये खाना बहुत बेस्ट रहता है, और आंवला तो डाइजेशन के लिए, बाल के लिए, आंख के लिए, हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए बहुत अच्छा होता है, तो थोड़ा खाना ही चाहिए। तो हम वैसे तो खा नहीं सकते क्योंकि खट्टा बहुत होता है, तो नहीं खा सकते, ऐसे अचार वगैरह में खा लेते हैं। तो गाइस अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और जो न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय बाय।